हेलो एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर क्लास 10 का हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल में एक्सरसाइज 6.3, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 6.2 तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो 6.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है जो 6.3 है, ये सिमिलरिटी, जैसा कि चैप्टर जो आपका ट्राइंगल है, जैसे कि नाइन्थ में आप कांगनेंसी के बारे में, कांगनेंसी के रिलेशन होते हैं उसको आप पढ़ते हैं, लेकिन टेंथ में आप सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरिटीज के लिए हमने एक वीडियो इसके पहले प्रोवाइड कर दिया आप सभी को, उस वीडियो में देखेंगे वहां पे डिफरेंस बिटवीन कांग्रेंसी एंड सिमिलरिटीज। तो वहां पे उस वीडियो से आपको सारी इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां पे क्लियर हो जाएगा, और जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे तो फिर आप इसके एक्सरसाइजेस को आप आसानी से लगा पाएंगे, इजीली लगा पाएंगे, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से अगर इस आपको एक्सरसाइज को लगाना है तो इसके पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप एक्सरसाइज को समझ सकेंगे। चलिए हम फिलहाल बेसिक यहाँ पे इसको बताते चलेंगे, वहां पे उन सारी चीजों को यूज करते चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन और फर्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर्स आर सिमिलर, यानी इसमें पेयर ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, एक पेयर ट्राइंगल, दो पेयर ट्राइंगल, 3, 4, 5, 6, ऐसे यानी कि 6 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए गए हैं। कहा गया राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी किस क्राइटेरिया के थ्रू ये सिमिलर है या नहीं है ये हमें लिखना है, यूज बाय यूज आप यूज कर रहे हो फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देने के पर्पज से। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और यानी पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को भी लिखिए इन द सिम्बलिक फॉर्म, जैसे कि सिम्बलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी क्या है इन फिगर, यानी कि हम बात करें इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। हम इसको लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, इन दोनों ट्राइंगल में हम जब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू आपका दूसरे ट्राइंगल के एंगल पी के बराबर, ठीक है, ये आपका गिवन है, लिख दीजिएगा। एंगल बी इक्वल टू इस ट्राइंगल के एंगल क्यू के इक्वल, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के इस ट्राइंगल के आर के इक्वल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर क्या है, एंगल 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 से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो लिखते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी क्या हो गया, पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। यही सिम्बलिक फॉर्म है जिसमें हमें लिखना था, और कैसे ये दोनों कांग्रेंस हो गए, तो रीजन दे दीजिए अब ब्रैकेट में, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी कौन कौन सी, एंगल 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 से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ये आपका हो गया। ओके, ऐसे आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं, एक साइड क्या है 2 है, दूसरा साइड 2.5, 3, इसमें 6 है, 4 है, 5। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, AB अपॉन बात करें QR, तो इसमें देख रहे हैं 2/4, यानी आप क्या देख रहे हैं, AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू आप, हाँ यहां पे आप करके देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2/4, तो 2/4 इक्वल्स टू 2.5/5 इक्वल्स टू 3/6। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 5, ये आपका 1 × 2 × 5, 3 × 1, 1/2, 1/2, 1/2, इन तीनों में 1/2 क्या आ रहा है, इनके रेशियो जो प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, इनके साइड्स के जो रेशियोज हैं वो क्या है, आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, तो इस वजह से आप जब प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, बाई बाई ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, साइड 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 सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। जैसे आप देख रहे हैं कैसे, ए बी अपॉन क्यू आर, अगर इसको देखना चाहें, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन, बी सी अपॉन इसका पी आर, बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू आपका ए सी अपॉन, ए सी अपॉन पी क्यू, ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार से ये दोनों ट्राइंगल्स, इनके जो साइड्स हैं, साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में, इस तरह से आप देख रहे हैं, और इस वजह से जब ऐसा होता है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे,
साइड 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 से इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा सिमिलरिटी कांग्रुएंसी का जो आपका वीडियो है इसके मैंने प्रोवाइड कर दिया, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा इसके उस चैट उस बॉक्स में, तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में वहां पे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक साइड 2.7 है, एक 2 है, एक 3 है, तो क्या किसी के बीच में मिल रहा है? हाँ, 2 और 4 के बीच में 2 + 2 = 4 मिल जाएगा, 3 + 3 = 6 मिल जाएगा, लेकिन 2.7 और 5 के बीच में रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि साइड साइड तो होता नहीं है कोई प्रॉपर्टी, साइड 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 होता है, तो एक साइड ये क्या होगी, यहाँ पे 2.5 होता तो फिर ये आपका दोनों सिमिलर हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। लिख देंगे कि ये क्या है, इनके रेशियोज क्या है, इक्वल नहीं है, यानी आप लिखेंगे कि इसको क्या है, ये नो सिमिलर, यानी कि ये सिमिलर नहीं है, और सिमिलर नहीं है तो इसका हमें रीजन देने की जरूरत नहीं है। आप जान लें क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि तीनों साइड्स की जो रेशियो है आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि दो के तो बन रहे हैं 2 और 4 का 3 6 का, लेकिन 2.7 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, 1/2 1/2 दो में आएगा, लेकिन तीसरे में 1/2 नहीं आएगा, इस वजह से सिमिलर नहीं है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, नो, यानी इसका सिमिलर नहीं है। इसी तरह से हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करेंगे स्टूडेंट। फोर्थ वाले ट्राइंगल में आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक साइड आपकी 2.5 दी गई है और एंगल एक 70 डिग्री दिया गया है, और एक इसका जो ये है ये आपका क्या दिया गया, 5 दिया गया है, तो क्या इनके बीच में रिलेशन बनता है? तो स्टूडेंट्स, एक एंगल तो है, ठीक है, एक एंगल है, साइड एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड से सिमिलर होता है, तो एक एंगल हो गया और 5 होगा, 5 × 5 = 10, एक ही इसका भी रेशियो हो गया, लेकिन 2.5 और 6 का जो है ये रेशियो नहीं बन पाया, क्योंकि 2.5 यहाँ पे 3 होता तो 3 × 6 हो जाता, 5 × 10 तो 1/2 1/2 का रेशियो बन जाता, प्रोपोर्शन में आ जाता, लेकिन 2.5 और यहाँ 6 यहाँ 3 होता तब ये कॉम्बिनेशन बन पाता कि ये साइड का रेशियो जो है इस साइड के रेशियो के बराबर आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, दो साइड के रेशियो मिल जाते और एक एंगल मिल जाता, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों आपके सिमिलर हो पाते, लेकिन यहाँ पे सिमिलर नहीं है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का, नो सिमिलर, यानी ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, ये आपको बता देगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इस फिफ्थ वाले पार्ट में। तो फिफ्थ वाले पार्ट में स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि एक आपको दिया गया है साइड 2.5, एक साइड आपको दिया गया 2.5 और एक साइड इसमें दिया गया 5, तो चलिए इसका कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा 2.5 2 times और एंगल 180 डिग्री दिया गया, तो सिर्फ एक साइड और एक एंगल दिया गया है, तो एक साइड और एक एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि सिंगल साइड सिंगल एंगल अगर आपको पता है तो आप सिंगल बता पाएंगे करस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें भी क्या है, ये इसके सिंगल नहीं है दोनों, आप लिख देंगे नो सिंगल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका साइड आपको दिया नहीं गया है, अगर साइड दिया होता तो आप इसको सिंगल कहते, ठीक है। चलिए लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, एक एंगल 80 डिग्री है और एक 70 है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में एक 80 है और एक 30 है, तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 180 होता है, तो जब ये 80 हो गया ये 70 हो गया तो दोनों का सम 150 हो गया, और 150 यानी 180 में से 150 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना मिल जाएगा, 30 नहीं मिल जाएगा, तो ये 30 तो मिल गया, ओके। और इसी तरह से 80 और 30 करेंगे 110 हो गया, तो ये 70 नहीं हो जाएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू के, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर के, तो ये क्या हो गया, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, एंगल 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, इसको आप इसी तरह से सिमिलर कर पाएंगे, क्योंकि सिमिलरिटीज की हमने बताया कितने क्राइटेरिया होते हैं, हमने बताया साइड 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 से भी सिमिलर होते हैं, जब दो ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, उनके रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं आपस में प्रपोर्शन होते हैं, प्रपोर्शन में तो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, एक बताया जब तीन क्या होते हैं, कोई दो एंगल अगर किसी दो ट्राइंगल के कोई दो एंगल भी अगर इक्वल है तो भी सिमिलर, क्योंकि अगर दो इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो ही जाएगा, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाता है। फिर मैंने कहा कि अगर दो साइड्स आपस में उनके रेशियोज अगर प्रोपोर्शन में है और कोई एक एंगल क्या है उसके बीच का जो कॉन्स्टिट्यूट एंगल है अगर वो इक्वल है तो भी वहां साइड एंगल साइड से क्या हो जाते हैं, ये आपके सिमिलर हो जाते हैं।
तो ये क्या है, इस प्रकार से ये तीन क्राइटेरिया आपके हैं जिससे कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो पाते, इसका वीडियो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, वहां पे आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इस प्रकार से है कि इन फिगर ट्राइंगल ओबीसी सिमिलर टू ओबीए, यानी फिगर दिया गया है कि जो ट्राइंगल ओडीसी है ये ओ ए बी के क्या है, सिमिलर है, ओ बी ए के सिमिलर है। ये बताया गया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर भी दिया होता है। ओके और फिर क्या होता है, और इसमें बताया गया है कि एंगल बी ओ सी जो है वो 125, बी ओ सी ये 125 है एंड एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ ये 70 डिग्री है, ये बताया गया है। तो कहा गया फाइंड एंगल डी ओ सी, बी ओ सी, एंगल डी ओ सी एंड आपका ये हो जाएगा ओ ए बी, कौन कौन सा एंगल है यहाँ पे, डी ओ सी आपका निकाल रहा है स्टूडेंट्स, एंगल डी ओ सी एंड डी सी ओ, सॉरी यहाँ पे डी सी ओ, डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, ये इतने एंगल्स में फाइंड करने हैं यहाँ। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि एंगल जो गिवन है सारी चीजें लिख दीजिएगा, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर होने के नाते स्टूडेंट्स 180 हो जाएगा। ओके तो जब ये हो गया 180, तो अब आप जान रहे हैं कि जो बी ओ सी है वो 125 है, तो एंगल डी ओ सी प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो ये एंगल डी ओ सी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी ओ सी आपका आ जाएगा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 55 डिग्री। ओके कितना आ गया आपका 55 डिग्री, डी ओ सी आपका निकल गया, एक आपका यहाँ पे निकल गया। अब डी सी ओ निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, डी सी ओ, तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ओ सी, इन ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल डी ओ सी, डी ओ सी में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अभी आपने ये वाला एंगल क्या निकाल लिया, ये 55 निकाल लिया। ओके तो डी ओ सी ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एंगल डी ओ सी प्लस एंगल, प्लस एंगल आपका सी डी ओ, एंगल सी डी ओ प्लस एंगल आपका डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 होता है, ट्राइंगल ये 180 होता है। ठीक तो अब डीओसी स्टूडेंट्स आपने 55 निकाला है, प्लस सीडीओ 70 डिग्री दिया गया है। ओके प्लस एंगल डीसीओ, यही वाला एंगल हमें नहीं पता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 55 और 7 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 प्लस एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल DCO कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125, तो आपने यहां पर वही किया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। ओके तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, ये आपका यहाँ पे 55 डिग्री आ गया। अब चूंकि ये दोनों आप जान रहे हैं कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये आपका 55 हो जाएगा, हालांकि इसको निकालना नहीं, लेकिन वर्टिकली अपोजिट से 55 हो जाएगा। और क्या है आपको ये गिवन है, यानी कि गिवन इफ सिंस, यहां पे सिंस करके सिंस क्या है, ट्राइंगल ओडीसी, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, ये क्या है, ये सिमिलर दिया गया है स्टूडेंट्स, तो जब ये सिमिलर दिया गया है तो क्या हो जाएगा एंगल, एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ
इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, इक्वल टू एंगल क्या ओ ए बी, क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग्स क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे सीन्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये क्या है सिमिलर ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से ये इक्वल हो जाएंगे। तो ओ ए बी क्या है स्टूडेंट, ये डीसीओ क्या है आपका, डीसीओ 55 आया है, देन तो क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डीसीओ आपका 55 है, तो डीसीओ इक्वल टू ओ ए बी, ओ ए बी आपका 55 हो गया। इस तरह से ये तीनों आपके एंगल फाइंड हो गए, बस इसमें यही करना था। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसके आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।